हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मेसी। प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आइजीकॉन प्लस क्रीम के बारे में। ये देख सकते हैं आप, आइजीकॉन प्लस क्रीम है। ये मार्केट में आपको मात्र 60 रुपये में मिल जाएंगे। तो इसके यूज और डोज, साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या हैं, उसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें साल्ट क्या है। तो इसमें कुछ साल्ट हैं जो ओफ्लैक्सासिन है, टिनिडाजोल है और टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड है, क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट एंड डेक्सपेंथोनॉल क्रीम है। तो इन सब कुछ साल्ट से मिल करके बना है। तो ओफ्लैक्सासिन जो साल्ट है वो एंटीबायोटिक है, अर्थात आपके जो जख्म बन जाते हैं खुजली की वजह से या किसी भी रिंग वार्म की वजह से जो जख्म बन जाते हैं उसको सुखाने का काम करता है। टिनिडाजोल और टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है, टिनिडाजोल भी एक एंटीबायोटिक ही है, एंटीबैक्टीरियल है, जो कि एक बैक्टीरिया को ख़त्म करने में इस्तेमाल किया जाता है। और टर्बिनाफाइन जो है वो एंटी फंगल है, एंटी फंगल का काम करता है टर्बिनाफाइन। क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट जो है ये स्टेराइड क्रीम है, अर्थात इस क्रीम का जो वर्क है उसको ये बढ़ा देता है क्लोबेटासोल से। और ये एक स्टेराइड है तो ये सूजन को भी कम करता है और इसका जो वर्क है इसे बढ़ा देता है। अब चलिए जानते हैं कि इसे लगाना कैसे है। तो इसको लगाने के लिए आप सुबह शाम दोनों टाइम इसको लगा सकते हैं। क्रीम को ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, आपको क्रीम को उतना ही लगाना चाहिए जितना दूर में आपका खुजली है या दिनाए दाद जो भी इन्फेक्शन है उस पर आपको उतना ही लगाना है जितना कि ये आपके त्वचा में मिक्स हो जाए, अर्थात वहाँ पे लगा करके अब हल्की मालिश कर दीजिए जिससे वो उतना गायब हो जाए क्रीम, आपका क्रीम दिखे नहीं, तो उतना आपको लगाना है। अब चलिए जान लेते हैं कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल जो है चेहरे पे भी करते हैं, जैसा कि लोग पैंड्रम प्लस चेहरे पे इस्तेमाल करते थे। तो पैंड्रम प्लस जो नई पैंड्रम प्लस प्लस जो क्रीम आई है उसका जो साल्ट है वो चेंज हो गया है, लेकिन इस क्रीम में जो साल्ट है वो पैंड्रम प्लस जो पहले वाली साल्ट थी वही साल्ट इस क्रीम में भी है। तो आप इसको चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ओफ्लैक्सासिन एंटीबायोटिक है वो चेहरे के जो जख्म होते हैं अक्सर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं चेहरे पे, और उन्हीं के वजह से जो आपको वो जो काले धब्बे बन जाते हैं तो ये जख्म को सही करता है। और टर्बिनाफाइन जो एंटी फंगल क्रीम है और क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट जो है ये एक आपका स्टेराइड है जो कि आपके सूजन को कम करता है और चेहरे पे थोड़ा ग्लो करता है। इस साल्ट के वजह से जो है इस क्रीम का जो वर्क है वो बढ़ जाता है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट अगर हम बात करें तो अगर आपके चेहरे पे जलन होने लगे या लाल धब्बे पड़ने लगे, लाल चेहरा हो जाए, या अगर कहीं भी आप लगा रहे हैं अगर लाल धब्बे बन जाए, जलन होने लगे या आपकी इचिंग बढ़ जाए अर्थात खुजली आपकी बढ़ जाए, तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें।